अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है, 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे लगा है, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पहले फिगर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर फिगर आ गया तो क्या आ गया, सोल्यूशन समझ में आएगा। सोल्यूशन समझने के लिए फिगर आना चाहिए, फिगर समझने के लिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई। तो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, देखो ग्राउंड का कोई एक पॉइंट है, सर मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, चलो ये ग्राउंड इच बना लो पहले, ग्राउंड इच, ये अपन का ग्राउंड हो गया, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, समझ में आया, आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर, अच्छा टावर के नीचे और टावर के ऊपर का एंगल दिया है, एक बार टावर के नीचे, अगर मैं नीचे से टावर का नीचे वाला पार्ट देखूं और एक बार टावर मैं नीचे से टावर के ऊपर वाला पार्ट देखूं तो अलग अलग एंगल बनेगा, ठीक है। अब बात ये आता है कि क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, वाह बेटे वाह, मौज कर दिया, सबसे पहले कह रहा बेटा कि 20 मीटर का एक बिल्डिंग है, ये तुमरो बिल्डिंग है, 20 मीटर के, 20 मीटर के तुमरो बिल्डिंग है ये, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगो है ना, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगो है, यानी कि यहाँ पे टावर है, यहाँ तक मान लो 20 मीटर अपन का बिल्डिंग है, ठीक है, 20 मीटर का अपन यहाँ तक का बिल्डिंग मान लेते हैं और यहाँ से उसके ऊपर टावर लगा, थोड़ा और ऊंचा कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे टावर, यहाँ तक अपन का बिल्डिंग है 20 मीटर का, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा, आपने देखा होगा नॉर्मली आपके शहर में, आपके गांव में कोई घर है, बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर लगा होता है, बिल्डिंग के ऊपर की बात हो रही, बिल्डिंग के ऊपर की बात हो रही, तो तुम ग्राउंड से एक बार बिल्डिंग के छत को देखो, दैट मीन्स जहां पे लगा है टावर वहां पे एक बार देखो और एक बार टावर के वास्तव में ऊपर देखो, तो जब तुम टावर के बॉटम में देखोगे तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहीं पे तुम टावर का टॉप वाला पार्ट देखोगे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। अगर फिगर समझ गए भैया तो तुमको क्वेश्चन लगाने से कोई ना रोक पाएगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बिल्डिंग है 20 मीटर की बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, उसके ऊपर कहीं टावर लगा है, ऐसे 20 मीटर का बिल्डिंग हो गई, ठीक है, यहां से टावर लगा है, ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, एक बार मैं टावर का बॉटम वाला पार्ट देख रहा हूं तो 45 डिग्री बन रही है, एक ये बॉटम है, टावर यहां रखो है, ये टावर है, ये टावर है, ये टावर इधर आओ, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, ये टावर है भैया ये, और नीचे बिल्डिंग है 20 मीटर की, मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं मैं, एक बार मैं इसका ये बेस वाला पार्ट देख रहा हूं, ठीक है, मैं एक बार इसका क्या देख रहा हूँ, ग्राउंड वाला पार्ट देख रहा हूँ, दैट मीन्स जो बॉटम वाला पार्ट है, टावर का बॉटम देख रहा हूँ, जब तो 45 डिग्री बन रहा है ग्राउंड से, मैं एक बार टावर का टॉप ऑफ द पार्ट देख रहा हूँ तो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि मेरे भाई मैं खड़ा हूँ ग्राउंड पे, मैं एक बार टावर का बॉटम देख रहा हूँ, मैं एक बार टावर का क्या देख रहा हूँ, टॉप देख रहा हूँ, जब मैं बॉटम देख रहा तो 45 डिग्री बन रहा, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर पे देख रहा तो 60 डिग्री बन रहा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी, क्वेश्चन ये पूछ रहा कि टावर की हाइट कितनी है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्डिंग की हाइट अपन को पता है, लेकिन पूछ रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर वो जो टावर लगा है ना उसकी हाइट बताओ, देख रहो, देख रहे हो विनोद कितना घुमा रहा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं, बहुत घुमा दे रहा, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है उसकी उसकी लेंथ पूछ रही है, उसकी हाइट पूछ रही है, भाई कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इधर आओ, आ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा ढक लो, ये ढक लो, ये पूरों को पूरा ढक लो, ठीक है, ये ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल मैं लिखता हूं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक बार अपन लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर का भूल जाओ, ठीक है, मैंने क्या लिया ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया, ठीक है, ये मेरे को पता है, मेरे को बेस ना पता है, तो हाइट सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो तो है टेन में, अभी हमने पढ़ो था कि टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा, दैट मीन्स थीटा यहाँ पे कितना है 45 है ना बेटा, 45 है ना बेटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है भैया BC है, कितना है BC है, बेस कितना है AB है, ठीक है,
1045 का वैल्यू पता हो तो फोन करो ना, ठीक है। 1045 का वैल्यू पता हो तो मुझे बताओ ना, अब ये नहीं बोलना घर में घुस के कि मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना यार। 1045 की वैल्यू होती है पर, 1045 की वैल्यू होती है पर, चलो मैं ही बता देता हूँ, है ना। बीसी होता है 20, होता नहीं है भाई, दिए हुआ है ना। बीसी कितना है, 20 है। ए बी तो पता ही नहीं है अपन को, तो ए बी ऐसे कर दो, ठीक है। ए बी ऐसे कर दो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल, ए बी बन जाए ए बी, ए बी बन जाए ए बी और इज इक्वल टू 20। क्या बात है यार, ये तो बातों बातों में ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर पतो लग गए। अरे यार क्या बात है, है ना, क्या बात है। यानी कि ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 20 मीटर हो गया। अब अपन को बेस पता चल गया पूरे का, अब अपन लगाएंगे एक बार अनदर वे। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी चलेगा, इन ट्राइंगल ए बी डी। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जब मैं कर लूंगा तब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, जब मैं कर लूंगा तो आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा कि सर आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, ऐसा ऐसा क्यों किया, क्यों यही कर रहे हो। अभी देखो ना, अभी देखो, ए बी डी लूंगा मैं, फिर से ये 60 का बन रहा है, 1060 की बन रही है, और 1060 देखो यहां पे, ये 60 टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर है ये, तो मैं यहां लिख रहा 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर यहां पे बी डी है, शर्माना मत और घबराना मत, बी डी अपॉन ए बी होगा, बी डी अपॉन ए बी। 1060 की वैल्यू रूट थ्री होता है, बी डी कितना है भैया, बी डी पतोना है, बी डी पतोना है, एकदम ना पता है, बिल्कुल पता ही नहीं है, एकदम पता ही नहीं है। ए बी पता है 20 होता है, ए बी पता है 20 है। मैं बी डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बी डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 रूट थ्री पता चलेगा कि नहीं। ये पूरे की पूरी लेंथ पता चल गई मुझे कि 20 रूट थ्री होती है। जरा ये बताओ, जब मुझे पूरा लेंथ पता चल गया, पूरा हाइट ही बिल्डिंग से लेके, बिल्डिंग से लेके टॉप ऑफ द टावर तक का पूरा एक साथ पता चल गया मुझे, बिल्डिंग से, बिल्डिंग के बॉटम से लेके टॉप ऑफ द टावर तक का पूरा हाइट ही पता चल गया, और मुझे बिल्डिंग की भी हाइट पता है। जब मुझे पूरा पता है और बिल्डिंग का भी पता है, तो पूरे में से अगर बिल्डिंग की हाइट हटा दूंगा तो मुझे टावर का हाइट ना पता चल जाएगा। बोलो समझ में आया क्यों ऐसा कर रहा था मैं, कहानी में ट्विस्ट थी भाई, ऐसे यूं ही नहीं चल रहा था मैं, ठीक है। चलो मुझे बताना है डीसी, तो डीसी बताने के लिए पूरे का माइनस, पूरा पूरा बीडी, पूरा बीडी, पूरा बीडी, पूरा बीडी ले लो, है ना, पूरा बीडी ले लो और माइनस कर दो ये क्या नाम है बीसी, ठीक है। बीडी कितना है भैया, पूरा बीडी कितना है, देखो यहाँ पे बीडी कितना है, 20√3 है, 20√3 है। बीसी कितना है, बीसी है 20, ठीक है सर, 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी, माइनस तो होने से ना रहा, 20 कॉमन मिल रहा, ठीक है, 20 कॉमन, क्या कर रहे हो रजनीश भाई, है ना, 20 कॉमन ले लो। जब 20 कॉमन ले लोगे तो ये 20 बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, रूट थ्री, ये वाला माइनस, ये 20 तो कॉमन में चला गया तो बचा 1, दैट मीन्स 20√3, 20 इन ब्रैकेट रूट थ्री माइनस 1 मीटर आ गया डीसी की वैल्यू। डीसी मीन्स हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर यहां लिख दो, हाइट ऑफ द टावर जो एवव द बिल्डिंग पे था, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20 इन ब्रैकेट रूट थ्री माइनस 1 मीटर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जाने में कोई दिक्कत है, वहां पे जाओ एटलीस्ट सिर्फ बताओ कि सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और कुछ इससे मिलता जुलता अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो भी पूछो ना, पूछो ना कि मतलब सर अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो कैसा होता, है ना, अगर सर ऐसा था तो आपने ऐसा किया, अगर ऐसा नहीं होता ऐसा होता तो कैसा होता, मतलब कैसे लगता सॉल्व, ठीक है भाई। चलो बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट लो, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाओ और मुस्कुरा के क्वेश्चन पूछो, हम 101% आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे समझा के छोड़ेंगे भाई, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने सॉल्व किया पता है, 7th वाला किया ना, यहाँ पे 7th नंबर डालना भूल गया था, डाल देता हूँ, है ना। चलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।